अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर से जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चालाकी की है। वो चालाकी ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, तालिबान चाइना और रशिया आपस में लड़ेंगे और इनकी इकोनॉमीज भी तबाह होंगी। देखिए कि अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान अफगानिस्तान के अंदर किया है और बदले में क्या हासिल किया है? कुछ भी नहीं। अब अमेरिका का ये कहना है कि हम यहाँ से निकलेंगे, तालिबान अपना वायलेंस जो है वो डायरेक्ट चाइना और रशिया के साथ करेंगे, और रशिया और चाइना वाले जो अपनी इकोनॉमी पर आजकल फोकस किए बैठे हुए हैं, ना इनको कोई जंग का खतरा है, ना इनके पास कोई रुपया पैसा जाया होता है, डायरेक्ट अपनी इकोनॉमी के ऊपर और अपनी फौज को मॉडर्नाइज करने के ऊपर लगाते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे तालिबान और चाइना रशिया आपस में लड़ेंगे, इनकी इकोनॉमी बर्बाद होगी और ये भी कमजोर होंगे, जैसे अमेरिका यहाँ से कमजोर होकर निकल गया है। अहम बात यह भी है कि तालिबानों ने काबुल और दीगर जो मुलहका इलाके हैं उनका जो रास्ता है वो मुनकता कर दिया है और किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट या किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पर जारी नहीं है। मामलात को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले और अहम बात यह है कि अमेरिका यहां से जा रहा है। अमेरिका ने 67% अपनी जो फौज है वो अफगानिस्तान से निकाल ली है। उसकी वजह यह है, क्यों इतनी जल्दी निकाल रहा है? क्योंकि 4 मई को अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंस डे है और बाइडेन ये चाहते हैं कि सारे के सारे अमेरिकी फौजी 4 मई को अपने मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंस डे मनाएं। और अमेरिका का ये कहना है कि वो किसी तरीके से इस रीजन को खाली नहीं छोड़ के जाएंगे, बल्कि अब अमेरिका के बाद चाइना और रशिया जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे, हो सकता है कि चाइना अशरफ गनी के साथ मिल जाए, हो ये भी सकता है कि रशिया अशरफ गनी के साथ मिल जाए। ये काम उल्टा हो सकता है, रशिया और चाइना तालिबानों के साथ भी मिल सकते हैं। अगर ये काम होता है तो अशरफ गनी चाइना और रशिया के खिलाफ लड़ेंगे, और अगर चाइना और रशिया अशरफ गनी के साथ जाते हैं तो तालिबान इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो अमेरिका की ये सोच है कि जैसे जैसे तालिबानों और चाइना के दरमियान क्लैश बढ़ेगा, इनके पैसे जाया होंगे और ये जो लोग अपने मुल्क के ऊपर लोगों को कर्ज देने के लिए और अपनी फौज को मॉडर्नाइज करने के लिए जो पैसे लगा रहे थे, अब इस जंग के अंदर लगेंगे। तो अमेरिका की ये बहुत बड़ी चालाकी है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने किस तरह अपनी सोचो विचार के बाद ये काम और ये ऐलान किया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि काबुल के अंदर आज अटैक हुआ है, उस अटैक के नतीजे में 11 के करीब लोग जान भाग हुए हैं। तालिबानों के ऊपर अशरफ गनी ने ये कहा है कि ये तालिबानों ने कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए तालिबानों ने कहा है कि उन्होंने ना किसी किस्म का कोई अटैक किया है और ना ही आगे कोई इस तरह का प्लान रखते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि काबुल और जो दीगर इलाके हैं आसपास के, तालिबानों ने वहां पर कंट्रोल हासिल करके रास्ता मुनकता कर दिया है, रास्ता मुनकता कर दिया है। कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये इन इलाकों से काबुल की तरफ नहीं जा रहे और ना ही काबुल से उन इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मामला थे अफगानिस्तान के हवाले से, और अमेरिका किस लेवल की चालाकी कर रहा है ये मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है।